बरसाने वाली भी बंको जय हो मुस्लमान दुलारी की जय हो बरसाने वाली की सदा ही जय जयकार हो सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी इनको बरसाना धाम से राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी लाइव से जुड़ जाइए। उसके बाद हम मिलकर श्री जी के महल के अंदर की ओर चलेंगे। महल देख सकते होंगे कि किस तरह से सजाया हुआ है और यह लाइट जो है यह परमानेंट हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई है और बड़ी सुरक्षा के साथ इन लाइट को रखा गया है और यह पूरे महल की सुंदरता वो सजाएंगी और होली उत्सव में इस बार परमानेंटली व्यवस्था रहेगी। ये हमारा श्री राधारानी का पुराना महल। मैं आपको वहाँ से भी अंदर की ओर दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ डेकोरेशन की गई है। आप सभी जितने भी भक्त इस लाइव से जुड़े हुए हैं सभी लाइव को शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़े हुए यहाँ देख सकते हैं कितनी सुरक्षा के साथ इन लाइटों को सेफ्टी के साथ सिक्योर किया गया है। और यहाँ श्री जी का जो पुराना मंदिर है श्री जी का पुराना मंदिर है तो श्री जी का ये मोक्ष द्वार हुआ करता था। देख सकते हैं कि श्री जी का जो मोक्ष द्वार इतना भी छोटा हुआ करता था आज इतना विशाल का है। जो श्री जी का मोक्ष द्वार है काफ़ी वर्ष पहले श्री जी का यह मोक्ष द्वार हुआ करता था। और ये जो लाइट है वो कुछ इस कदर है जो ताकि पूरी वॉल को सुंदरता प्रदान करें और श्री जी के पुराने मंदिर को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ की भी सुंदरता बनाए रखने के लिए यहाँ भी कई सारी लाइटों का प्रयोग किया गया है। अब मैं अंदर भी चलूँगा। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे। श्री जी के महल को अंदर से किस तरह से सजाया गया है जब बाहर से ये सजावट है तो अंदर से कितनी सुंदर सजावट होगी। आप सभी बने रहिएगा और हम सब भक्त मिलकर श्री जी की लोरी का आनंद लेंगे। और अभी श्री जी का भोग अभी आया नहीं हुआ है, भोग आने वाला है। तब तक हम लाइव को चलने देते हैं और आप सभी से मैं यही प्रयास करता हूँ कि हम सब फिर से एक साथ जुड़कर श्री जी की लोरी का आनंद लें। और यहाँ हमारी श्री राधा रानी होली वाले दिन, जैसा कि आपको पता है कि होली वाले दिन हमारी श्री राधा रानी सफ़ेद छतरी और सुंदर सज गई है। ऊपर से नीली डेकोरेशन है लाइटिंग की और यहाँ बड़ी सुंदर लाइट के साथ इस सफ़ेद छतरी को सजाया गया है। और अब हम चल रहे हैं महल में अंदर की ओर और आप सभी जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्तों को महल के लाइव दर्शन और महल की सुंदरता, महल की जो शोभा है उसके बारे में पता चल सके। एक तरह से ऐसा लगता है कि श्री जी का महल इतना भव्य सजा हुआ है जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो चुकी है। अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत सारी लाइटें बाकी हैं, बस अभी चेक करने के लिए देखी गई हैं और अभी तो बहुत सारी लाइट बाकी हैं। इस बार होली उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हम महल में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही सामने श्री राधा रानी की रसोई है। यहाँ श्री जी की रसोई है। यहाँ हमें प्रेमदास बाबा, अनुराग बाबा, इन सब के दर्शन हुए हैं। ये क्या लग रहा है, काका परदेसी लग रहा है? तैयार है। यहाँ श्री राधा रानी की फूल की सेवा होती है। जैसे कि यहाँ पहले बाई बनाती थी जो कि अब अवस्था के कारण नहीं बना पाती, लेकिन अब यहाँ सेवाएं बरकरार हैं
चलिए देखिए हम महल में अंदर की ओर प्रवेश कर गए हैं। महल की सुंदरता और इतनी प्यारी लग रही है, आप सभी से यही अनुरोध है कि सभी अब श्री जी के प्रांगण से श्री राधा रानी की इस भव्य सुंदरता का आनंद लेंगे। और अब सभी से मेरा यही अनुरोध है, राधे श्याम कहते रहिए, राधे श्याम कर देंगे सबके पूर्ण काम। जितने भी भक्त देख सकते हैं कि महल को कितना सुंदर सजाया गया है, सच में महल राधिका का बुहारा करेंगे, ऐसा मन करता है कि श्री जी के महल को बस बैठकर निहारते रहें। बस जो सुकून, जो शांति जो मिलती है, वो शांति सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता है। महल की लाइटें बंद हो चुकी हैं क्योंकि भोग आ गया है। राधे श्याम, यहाँ ट्रायल के रूप में एक बार चेक की गई थी, आप सब ने इसका आनंद भी लिया, तो आइए अब हम चलते हैं महल में अंदर की ओर। श्री जी के भोग आए हुए हैं, लाडी जी के भोग आए हुए हैं। और महल में सच बताऊं तो होली उत्सव के उपलक्ष्य में रस बहुत जा रहा है, रस इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे करके जो जो होली का दिन करीब आ रहा है, जो जो भक्तों की भीड़ श्री जी के महल में देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ इस कदर है कि सच बताऊं बरकरार भक्तों की भीड़ रस यहाँ मंदिर खुलते ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम श्री जी के स्वामी जी महाराज के दर्शन करें, दो माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद राधे श्याम और उसके बाद हम एक छोटी सी लीला के साथ अपना लाइफ आगे की ओर लिए चलेंगे। स्वामी जी महाराज की सदा ही जय हो। आप सभी स्वामी जी महाराज की स्थिति का मुद्दा देखें और सच में स्वामी जी महाराज से जो मांगेंगे कि हे स्वामी जी महाराज हमें बरसाना बास दे दो, बरसाना बुला लो, तो स्वामी जी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। और महल का आनंद, महल का रस कितना अद्भुत है, ये सब आप जान ही रहे होंगे कि कितना आनंद बरस रहा है किशोरी जी के महलों में। और यहाँ हमारी गौ माता, जय हो मेरी गौ माता, जय हो मेरे लड्डू गोपाल, भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त बत्सल प्रभु दीन दयाल, जय हो मेरी गौ माता, जय हो मेरे गोपाल। यहाँ मैया एक प्यारे से लड्डू गोपाल को, अपने गोपाल को झूला झुला रही है, एक दादी का प्यार कितना अद्भुत है देख सकते हैं। और होली उत्सव के समय पूरा महल रंगारंग भरा रहता है, महल पूरी तरह से भरा रहता है। और चलिए मैं तुलसी महारानी की स्थली पर तुलसी माता को एक बार प्रणाम करते हुए आपको बहुत सुंदर लीला सुनाऊंगा। आपसे भी जुड़े रहिए, जो भी भक्त जुड़े हैं सभी से ये अनुरोध है कि आपके इस एक शेयर से और सारे भक्त जुड़ेंगे, सभी को आनंद आएगा और सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा।
सुमित्रा जी जो कि हमारा हर लाइव अटेंड करती हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सभी शेयर करते हैं, नेहा जी है, हिमानी जी, बंदना जी, सब अपना परिवार समझ के और भी भक्तों को भेजते हैं। तो आइए हम तुलसी महारानी के श्री चरणों में अर्जी लगाएं। जय हो तुलसी माता, जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी ज्योत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता, सभी पर कृपा करना, सबको बरसाना धाम बुलाते रहना। और अब मैं आपको इस 5 दिन में जो लीला हुई, 5 दिन से तो एक पिजारी जी भी हैरान हो गए, तो ऐसा आनंद आया कि जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं पहले एक जगह बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्यार से जो लीला का आनंद लगा। तो सबसे पहले जब मैं सेवा में था तो श्री जी की सेवा के लिए, अभी थोड़ी सर्दियाँ चल रही थी तो हल्का हल्का केसर की सेवा चल रही थी, तो पुजारी जी जो थे, जो वर्तमान में उस समय पुजारी थे, वो अपने दिल्ली से कई इत्र लेकर आए, या यहाँ तक कि प्योर इत्र लेकर आए। तो उस समय जब एक बार इत्र खत्म हो गया तो मैंने एक बात कही कि मैंने पुजारी जी कि अगर कोई इत्र हो केसर का तो आप बोल, तो वह अपने पास से जब इत्र लेकर आए तो वह इत्र इतना अच्छा नहीं था, ना उसमें उतनी शाइनिंग थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि राजू भाई जो इत्र वाले हैं उनका जो इत्र आता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है, उनके इत्र में ना तो कोई मिलावट होती है, और वो ठाकुर जी को इतना आनंद प्रदान करता है, और ठाकुर जी के श्री अंग पर जब वह लगता है तो सच में चल ऐसी आती है कि ठाकुर जी बोल उठता है। तो जब पुजारी जी को जब राजू भाई के बारे में पता चला तो पुजारी जी ने उस शीशी जो इत्र की डिब्बी थी उसके पास से नंबर ले लिया और कहा कि कोई मथुरा से आएगा तो मैं उन्हें कॉल करके राजू भाई का इत्र मांगा। सुबह की ये बात थी पुजारी जी ने नंबर का किया, वो जब उत्थापन मतलब शाम का जब समय हुआ, तो शाम के समय जब पुजारी जी ने पट खोला, जब मैंने जब श्रृंगार करके पट खोला, उसके बाद एक भक्त राजू भाई इत्र वाले की केसर की शीशी में, जैसे पुजारी ने देखा कि केसर की शीशी आई है तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब उस शीशी पर देखा, उस इत्र की जब शीशी पर देखा तो देखा तो राजू भाई का पड़ा था। पुजारी जी देख कर हैरान हो गए कि हमने श्री जी से बस यहाँ कुछ कहा, श्री जी ने कहा तक सुन लिया, तो वही चमत्कार हुआ जैसे पहले एक बार इत्र वाला हुआ, उसी तरह से यह राजू भाई इत्र वाला नाम से यह चमत्कार हुआ। तो श्री जी कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं कि वह किस तरह से भक्तों का भाव सुन लेती हैं, ये सब आपको बता रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था, परसों डाला था, जिसमें कि मैं एक बार आपको मैंने दर्शन कराया था लाडले ठाकुर जो कि नारायण भट्ट जी के पास थे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, जैसे आप सबको ये पता है कि श्री हरदास जो है, श्री हरदास जो ललिता जी का अवतार है, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उसी तरह राधा रानी का प्रकट नारायण भट्ट जी ने किया, तो ये किन के अवतार हैं? अगर आप में से किसी को अगर पता है नारायण भट्ट जी किन का अवतार है, वो मुझे कमेंट करके बताइए कि देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस को ऐसी जानकारी, ऐसी लीलाओं के बारे में पता है। नारायण भट्ट जी किन का अवतार है, जैसे स्वामी हरदास जी ललिता सखी का अवतार है, उसी तरह नारायण भट्ट जी किन का अवतार है, जिस किसी को भी अगर पता है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं इसी वीडियो में आपको यह जानकारी साझा करूँगा,
आपको भी ये इस बारे में पता रहना चाहिए, और जब तक मैं आपको बता दूँ कि जो लाडले जो ठाकुर हैं वो नारायण भट्ट जी के सबसे प्रिय ठाकुर थे। एक बार की बात थी, नारायण भट्ट जी साउथ में थे तो एक नदी के पास जब जाते रहते थे तो वहाँ एक 7-8 वर्ष का बालक नारायण भट्ट जी के पास आता है, तो बाबा तू यहाँ का कर रहा है? बाबा ने कहा मैं स्नान करने आया हूँ, पाठ पूजा करने आया हूँ। तो वे लाला बोले कि तुम्हें तो रज में होना चाहिए, तुमको तो रज में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैसे ही नारायण भट्ट जी को ब्रज के बारे में पता चला, उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे ब्रज यात्रा करनी चाहिए। तो छोटा सा बालक जब इस बात को बोल रहा है तो ज़रूर मुझे ब्रज की यात्रा करनी चाहिए। अनिता जी कहती हैं विशाखा सेक्टर का उतार है, आप सभी कमेंट करते रहिए। तो हुआ क्या था, तो नारायण भट्ट जी ने मन में ठाना कि मैं मुझे ब्रज की यात्रा करूँगा, लेकिन ब्रज बहुत दूर था साउथ से, पैदल यात्रा थी, उस समय कोई साधन नहीं था। 1500 ईस्वी की बात है, 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहली बात है। तो जब बाबा ने कहा कि लाला मोए तो ब्रज की यात्रा कैसे होगी, मैं तो कोई रास्ता ना पता, तो मैं छोटा सा बालक बोला कि बाबा मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तो ब्रज की यात्रा करूँगा। तो जैसे ही जब यह सब कुछ कहा, उसी समय वह बालक रूप में जो थे वो लड्डू गोपाल के रूप में बदल गए। नारायण भट्ट जी ने लड्डू गोपाल को एक पॉकेट में अपने पास रखा और ब्रज यात्रा के लिए निकल गए। तो जब कोई उन्हें नहीं दिखता था तो वे साक्षात बालक के रूप में रहते, आपस में एक दूसरे से बाबा और नाती एक तरह से बात करते, जैसे कोई भीड़ भाड़ होती तो वे लड्डू गोपाल के रूप में आते और अपने पास में पॉकेट में मोबाइल पॉकेट की तरह उनके हाथ में रहते। इसी तरह ब्रज भ्रमण चलते 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 एक बार वह राधाकुंड आया। राधाकुंड जब आ गए तो किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं नारायण भट्ट जी, और मेरे पास ऐसे ठाकुर हैं जो बोलते हैं। तो किसी ने जब इन सब बात का अनुसरण नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो लोगों ने कहा कि अगर तुम नारायण भट्ट जी हो तो क्या आपके पास प्रूफ है कि आपके पास ऐसे ठाकुर हैं जो ब्रज की लीलाओं का स्वागत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो नारायण भट्ट जी ने अपने ठाकुर लड्डू गोपाल से कहा कि आज मेरी परीक्षा की तैयारी है। तो ठाकुर जी ने, लड्डू गोपाल ने राधा कुंड के बारे में कहा, राधा कुंड की खुदाई के बारे में कहा, जिससे कि उसमें राधा कुंड का प्रारंभ हो गया। उसके बाद जब नारायण भट्ट जी अपने लाडले ठाकुर को लेकर बरसाना धाम आ गए, तो बरसाना धाम में ऊंचा धाम जब तपस्या कर रहे थे तो एक बार राधा रानी ने नारायण भट्ट जी को स्वप्न में कहा कि बाबा मैं इस ब्रह्माचल पर्वत के नीचे विराजमान हूँ। क्योंकि नारायण भट्ट जी जहाँ जहाँ जाते ब्रज की यात्रा करते, वहीं वहीं वहाँ के जो आराध्य हैं उनको प्रागट करते। उसी तरह बरसाना जब पहुँचे तो उन्होंने, जब राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिया तो नारायण भट्ट जी ने राधा रानी का प्रागट किया। जब राधा रानी का जब प्रागट हो गया तो राधा रानी ने कहा कि बाबा मेरा नाम कहाँ रखेगा एक बात बता। तो बाबा ने कहा मेरे पास लाडले ठाकुर हैं, मेरे पास लाडले तो हैं, तू लाडली है। तो बाबा ने राधा रानी का नाम लाडली जू इसलिए रखा क्योंकि उनके पास लाडले ठाकुर थे। बाबा के पास लाडले ठाकुर थे इसलिए बाबा ने कहा लाडली मेरे पास है, तू लाडली। और इस तरह से श्री राधा रानी का नाम लाडली जी माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि श्री नारायण भट्ट जो है वो किन का अवतार है? वो है नारद जी का अवतार। नारायण नारद रूप अवतार है नारायण भट्ट जी, जिन्होंने ब्रज में देवी देवता जो भी ब्रज के आराध्य हैं उनका प्रारंभ किया। जैसे ललिता जी का अवतार हरदास जी, उसी तरह नारद जी का अवतार है नारायण भट्ट जी।
एटीएम वैलिड जीरो तो बोल लो एक रुपया तो पुराने एक रुपये हाँ भैया शाम रास्ते बोले तो ये सब आपको जानकारी शायद पता चल गई होगी। और मैं एक बार आप सब से मिलकर मैं एक प्रे करना चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर प्रे कीजिएगा यो यूक्रेन में यो जो युद्ध जो चल रहा है उसमें जितने भी हमारे भारतवासी और जितने भी देश के जो बच्चे और पुरुष जो फंसे हुए हैं राधा रानी उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुँचाए, जिसमें कि हमारे ब्रज मंडल के भी कई बच्चे हैं जो कि MBBS करने के लिए यूक्रेन यूनिवर्सिटी में गए हुए थे। बरसाना के भी एक बेटी है जिसका नाम भी राधिका गोयल है, नंदगाम से भी है, कासगंज से भी है, कई जगह से भी है। और मुझे प्रेमलता जी का भी फ़ोन आया था, उनकी फ्रेंड है, उनकी भी यहाँ से कोई यूक्रेन में फंसा हुआ है। तो हम सब लोग प्रे करते हैं कि राधा रानी उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर पहुंचा दो। और हम सब जब मिलकर जब प्रे करेंगे तो राधा रानी हम सब की जो प्रार्थना है वो अवश्य सुनेंगी। और जब राधा रानी सुनेंगी तो वह जल्द से जल्द अपने घर वापस आएंगे। अभी श्री जी का भोग लगा हुआ है, आरती होने वाली है। आप सभी चले रहिएगा और सभी से यही अनुरोध है वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ सकेंगे। और कुल मिलाकर मुझे एक यह चीज़ तो पता चली कि यूक्रेन में जितने भी हमारे भारतीय जो बच्चे फंसे हुए हैं वो सब मोस्टली MBBS करने गए हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी अभी श्री जी की इतनी कृपा है कि वह सुरक्षित है। और हम बस यही चाहते हैं किशोरी जी से कि राधा रानी उन्हें सुरक्षित रहे और वे जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। सभी बच्चों को श्री जी सभी बच्चों को सुरक्षित रखें, चाहे वो बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे कासगंज हो, चाहे मथुरा हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी हो, जहाँ किसी जिस जगह के भी वो बच्चे हो, सब पूरी तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन सच बताओ हम सब जब प्रे करेंगे तो राधा रानी सच में हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और सब बच्चों को सुरक्षित। और मैं अब यही चाहता हूँ कि जो हमारी जो लोरी जो पहले की तरह चलती थी वह पहले की तरह कंटिन्यू चले, जैसे पहला बार लिस्ट बना करती थी। जैसे आप सबको पता है कि पहले जो हम एक लिस्ट तैयार करते थे, जिस लिस्ट बाय लिस्ट, जिस डेट बाय डेट, जिसका नंबर आया करता था, वही लोरी सुनाया करता था। हम सोच रहे हैं उसी तरह एक लिस्ट बनाई जाए जिसके लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा, या तो नीरज जी का दूंगा या फिर ध्रुव जी का दूंगा। इन दोनों में से एक नंबर आपको सेंड करूँगा, जिसके माध्यम से जब जो कोई लोरी सुनाना चाहे, जो भी लोरी सुनाना चाहे, वो उस दिन पर जुड़ जाए, जिसके माध्यम से सभी को लोरी सुनाने का सुना। और मैं फिर से यही चाहता हूँ कि आप भी इतने से हों कि हमारे ये जो पहले की तरह जो हम इतने सारे भक्त जुड़ते थे वो सब भक्त जुड़ेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ऐसी लीलाएँ, ऐसे चमत्कार जो मैं खुद महसूस करता हूँ वो आपको शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फिर से आप सबको सुनना चाहता हूँ, सब आपको फिर से सुनाना चाहता हूँ। और गिरिराज जी की अभी जो प्रार्थना चल रही है इस वजह से प्रार्थना का लाइव सेशन नहीं आ पाया। मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि सुबह भी हम लाइव जुड़ सकें। और सब कृष्ण जी को कृपा करते हैं तो किसको यहाँ तक कि तो मैंने आपको गोवर्धन में एक गोविंद चंद को एक बाबा रखते हैं, चेतन दास बाबा। बाबा के जीवन में इतना संघर्ष आया
बाबा सबसे पहले तो तीन परिक्रमा लगाया करते थे, बाबा धाम गोवर्धन की तीन परिक्रमा लगाया करते थे, कुल मिलाकर 63 किलोमीटर, एक परिक्रमा 21 किलोमीटर, तीन परिक्रमा 63 किलोमीटर बाबा पैदल चला करते थे। जब बाबा ने जब पूर्णतः संन्यास लिया तो उनके बेटे बही खाता लेकर सारी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए आ गए। बाबा ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी। बाबा ने सारी करोड़ों की संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी और उसके बाद भजन में लग गए। तीन परिक्रमा डेली लगाते, एक समय क्या हुआ, बाबा के पैर में चोट उखड़ी। उसके बाद पता चला तो बाबा के पैर में सूर्य स्टंट डल गया। स्टंट डलने के बाद बाबा मुश्किल से मुश्किल 5-10 दिन आराम करते रहे, लेकिन मन ही मन में वह ठाकुर जी का नाम लेते रहे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला है, बाबा ने फिर से परिक्रमा चालू कर दी। डॉक्टर ने खूब मना किया, लेकिन फिर भी बाबा ने तीन परिक्रमा के बजाय बाबा ने डेढ़ परिक्रमा प्रारंभ कर दी। बाबा बैसाखी से परिक्रमा लगाते थे, बाबा आज भी डेढ़ परिक्रमा गुजरात जी में लगाते हैं। मतलब दो दिन में तीन परिक्रमा बाबा पूरी कर लेते हैं। स्वस्थ हैं और गुजरात जी की इतनी कृपा है कि बाबा के दर्शन के लिए बाबा जब सुबह प्रातःकाल 6 बजे जब कुटिया से निकलते हैं तो बाबा के दर्शन के लिए कई सारे भक्त कहें तो 50-100 भक्त कुटिया में बाहर खड़े रहते हैं इंतजार के लिए। शयन आरती होने वाली है और शयन आरती का सब आनंद लेंगे। आप सब वही चाहिए बना और सभी श्री जी के शयन का आनंद लेंगे। श्री जी की शयन आरती सबसे प्यारी आरती होती है और सच बताऊँ जब मैं श्री जी की जब चरण सेवा करता था तो मेरा मन करता था कि मेरा मन करता था कि श्री जी को एक बार बहुत करीब से मेरे सुनता था। जब श्री जी सोती थी तो मैं श्री जी को प्यारी से बोली सुनाया करता था और जिसे सुनकर श्री जी सो जाया करते थे। श्री जी के चरणों में वो इत्र की मालिश हुआ करती थी। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि श्री जी की सेवा का मैं वैसे भी अंगूठ नहीं पहनता ताकि श्री जी को चोट ना जाए। अगर आप भी अगर अपने ठाकुर की सेवा करें और उनके तरण जमाएँ तो उंगलियों में जो अंगूठी है वो उन सबको उतार दें, क्योंकि हमारे श्री राधा रामी बाल जीती है, अपने भक्तों को दर्शन देती है। इसलिए वह उनको अंगूठी लग ना जाए, इसलिए वह श्री जी की इतनी खुशी है। तो श्री जी की जो पत्री की माली सुबह करती थी बहुत सुंदर आनंद आया करता था। तो श्री जी को मध्यम मध्यम श्री जी को लोरी हम सुनाया करते थे। तो एक बार की बात थी कि जब श्री जी को लोरी जब चल रही थी तो पुजारी जी एक समय श्री जी को इतनी सेवा करते 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 ठाकुर जी के चरणों में ऐसी लोरी का आनंद इतना अद्भुत चल रहा था कि प्यारी प्यारी मध्यम मध्यम लोरी श्री जी के चरण कोमल से चरण श्री जी के हाथों में और फिर उसके बाद श्री जी को मस्तक दबाना, श्री जी के छोटे छोटे हाथों को दबाना, श्री जी के चरणों को दबाना, अपना माथा श्री जी के श्री चरणों में रखना, ठाकुर जी की पगड़ी उतारना, ठाकुर जी के जो बाजू और कंधे हैं उनको दबाना, ठाकुर जी को मस्तक को दबाना क्योंकि पगड़ी की वजह से ठाकुर जी थक गए होंगे, ठाकुर जी को
पितृ की चकाचक मालिश करना, ठाकुर जी की हंसी महसूस करना, ठाकुर जी को हृदय से लगाना, तो प्यारी सी लोरी गाना, ये आनंद सच में कितना अद्भुत होगा, ये सब आप सोच कर महसूस कीजिए। मैंने ये सब आनंद जब श्री जी के श्री चरणों में था, मेरी बस एक यही तमन्ना थी कि हे राधा रानी, इस मेरी राधा रानी परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, वैसे ही आपकी अगर कृपा हमेशा बनी रहेगी तो यह मेरा परिवार इस तरह से हंसी खुशी रहेगा और मेरा परिवार हमेशा आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाता रहेगा। मैं यही कहता हूँ, देखिए अगर आपका मन पसंद है तो सब कुछ पसंद है, मन को अगर पवित्र करना है तो भक्ति कीजिए, अगर मन पसंद है तो सब कुछ पसंद हो जाएगा। मन पसंद हो गया तो सब कुछ पसंद हो जाएगा। मन को पसंद करने के लिए भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक भगवान हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेंगे तब तक मन प्रसन्न नहीं है। महल में सोनी सेवा बरकरार चलती रहती है। कोई कहता है कि भैया महल में सोनी सेवा रात्रि में नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई घर नहीं, ये लाडली जी का दरबार है। यहाँ कोई मिट्टी नहीं, ये ब्रज रज है। यहाँ कोई कूड़ा नहीं, ये प्रसाद है। यहाँ कोई गंदगी नहीं, ये कृपा है। तो इसे हम अपने घर की तरह से ना समझें, श्री जी के प्रसाद रूपी महल की सेवा समझकर ये सेवा करें और इस रज को स्वयं पान करें। ये रज भक्तों की, संतों की, ब्रजवासियों की वो चरण धूलि है जो पूरे ब्रज मंडल में घूमती है, उसके बाद ये ब्रजवासी महल में आते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर मेरे भक्त अगर कृपा कर दें तो भव से पार हो जाएगा। लाडली जो बुला लो जीना, कौन कौन आना चाहता है, कौन कौन आना चाहता है दरबार में राधा रानी के में, कौन कौन अपनी हाजिरी लगाना चाहता है। और मुझे एक बात तो ये कि श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी, ये सब आप मुझे बता दीजिए। और दूसरा कि 11 मार्च लठामार होली के लिए कौन कौन आ रहा है, एक तो श्री जी की पोशाक कौन सी है और दूसरा कौन कौन बरसाना धाम आ रहा है, ये सब दोनों मुझे बता दीजिए कि आज श्री जी की पोशाक कौन सी होगी और बरसाना धाम होली मनाने के लिए, जो कि श्री जी का प्रिय पर्व है, उसे मनाने के लिए कौन कौन बरसाना धाम, जो जो आ रहा है वो अपनी हाजिरी लगा दीजिए, मैं भी उसकी हाजिरी लगाऊंगा। और जो जो नहीं आ रहा है, जिसके आने के चांस नहीं है, वो तो मेरे साथ मिलकर गाइए, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, स्वामुनी जो बुला लो कि दिल ना लगे, स्वामुनी जो बुला लो कि जीना। महल की
अब आरती होने वाली है, घंटी बज चुकी है। अब यहाँ छोटी सी राधा रानी किस तरह से महल में खेल रही है और हम सब मिलकर अब श्री जी की लोरी का आनंद लेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, ताकि हम सब भक्त श्री जी की लोरी गाएँ। जो भी कोई ये लोरी सुनाना चाहता है तो वह मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दे, ताकि हम सब भक्त मिलकर श्री जी की लोरी का आनंद ले सकें। ये सच बताऊं तो ये श्री जी के भक्तों की प्रसादी है। लाडली जो बुला लो जीना लगे। और एक और बात, राधा नाम मन से लीजिए, तन से लीजिए, और इस शरीर से जितना हो जाए उतना लीजिए। मनुष्य जीवन जो मिला है उसमें ठाकुर जी का नाम लेने के लिए और यह परोपकार करने के लिए जीवन मिला है। तो आइए हम श्री जी की लोरी प्रारंभ करते हैं। मैं ऐड करता हूँ श्री जी की लोरी के लिए। जो भी कोई लोरी जगाना चाहता है तो मुझे और एक और बात, श्री जी की जो आज की पोशाक है रेड कलर की पोशाक है, रेड और गोल्डन जैसी पोशाक श्री जी की है, तो बहुत सुंदर पोशाक। बस आरती से प्रारंभ होने वाली है और हम सब भक्त मिलकर आनंद लेंगे श्री जी की लोरी का। और सच बताऊँ तो हमने तो श्री जी के कितने करीब से आप सब ने लोरी सुनी होगी, सुनाई होगी, वो तो आनंद कितना अद्भुत होगा ये सब आपने जाना है। हमने श्री जी को कितने करीब से लोरी के लिए गाया, श्री जी बिल्कुल बगल में होती थी, हमारा कैमरा हमारा मोबाइल बिल्कुल श्री जी के पास होता था और हम सब भक्त मिलकर कितनी प्यारी लोरी सुनाया करते थे। और सच में वो आनंद मुझे भुलाए से नहीं बोल रहा है कि हम श्री जी के कितने करीब होते थे और श्री जी हम सबके भाव सुनती थी। तो चलिए मैं लोरी के लिए ऐड करता हूँ ताकि हम श्री जी की लोरी जल्द से जल्द प्रारंभ है सुनाने का। तो नेटवर्क से जुड़ जाइए, ये तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि मैं और किसी और भक्त को जोड़ सकूं। राधे 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 भैया जी, राधे राधे जी भैया, मिलकर अब श्री जी की लोरी का आनंद लेंगे। आज भैया सबके ऊपर कृपा करो, सबको 15 दिन बाद घर वापस आई थी तो मेरा मन था कि वो राधा रानी के दर्शन कर ले, वो बहुत करती थी इसके इनके दर्शन कॉलेज जाने से पहले, तो वो हॉस्टल पे चली गई तो आज आई थी तो मेरा मन भी था कि वो दर्शन करे। शुरू कर दी तो श्री जी ने खुद अपनी हाजिर आपकी हाजिर लगाने के लिए यहाँ। हाँ बिल्कुल, नींद पर आई किशोरी झूके, नैनों में नींद पर आई किशोरी झूके, कौन किशोरी झूको दूध पिलावे, कौन किशोरी झूको दूध पिलावे, कौन खवावे मलाई किशोरी झुके, नैनों में नींद पर आई किशोरी झुके, मैया किशोरी झुको दूध पिलावे, मैया किशोरी झुको दूध पिलावे,
बाबा खवा बिमलाई किशोरी जुगो नैनो में नींद भर आई किशोरी जुगे कौन किशोरी जी की सेज सजामी कौन किशोरी जी की सेज सजामी कौन ओड़ा बिर जाई किशोरी जुको कौन ओड़ा बिर जाई किशोरी जुको ललिता किशोरी जी की सेज सजामी ललिता किशोरी जी की सेज सजामी विशाखा ओड़ा बिर जाई किशोरी जुको नैनो में नींद भर आई किशोरी जुके कौन किशोरी जुको लोरी सुनामी कौन किशोरी जुको लोरी सुनामी कौन जे चरण दवामी किशोरी जुके मैया किशोरी जुको लोरी सुनामी मैया किशोरी जुको लोरी सुनामी बाबा जे चरण दवामी किशोरी जुके नैनो में नींद भर आई किशोरी जुके चंद सखी बज बाल कृष्ण छवि चंद सखी बज बाल कृष्ण छवि बार बार बलिहारू किशोरी जुके नैनो में नींद भर आई किशोरी जुके जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 भैया जी जय हो राधे राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा वो लाडली लाल की जय हो। प्रवीण सिंह राणा जी राधे राधे। प्रतिमा परिहार जी राधे राधे। डिम्पल खन्ना जी राधे राधे। कुलदीप यादव जी राधे राधे। सोरम डेंगी जी राधे राधे। अनीता उपाध्याय जी राधे राधे। माहेश्वरी जी राधे राधे। जिन जिनकी हाजिरी लग रही है सभी जुड़े रहे शेयर करते रहिए। माहेश्वरी रेड्डी जी राधे राधे। सुदेश शर्मा जी राधे राधे। गायत्री गुप्ता जी राधे राधे। नितिन सक्सेना जी राधे राधे। बबीता जी राधे राधे। कुमारी उन्मला जी राधे राधे। संदीप जैन जी सालू नारायण जी अश्विनी चावला जी सुदेश शर्मा जी माहेश्वरी जी सीमा भाटरा जी राधे राधे। अनीता उपाध्याय जी राधे राधे। कुलदीप जी राधे राधे। प्रतिमा जी राधे राधे। राधे श्याम जी राधे राधे। सरला राजपूत जी राधे राधे। संदीप जैन जी परम यादव जी अदिति जी राधे राधे। गायत्री गुप्ता जी राधे राधे। सीमा भाटरा जी राधे राधे। श्री लक्ष्मी जी राधे राधे। गीता अरोरा जी राधे राधे। शशि जी राधे राधे। ज्योति जी राजकुमार जी जैसी जी प्रेम लता जी नेहा गोयल जी प्राची जी राधे राधे। रंजना कुमार जी हर्षदा अग्रवाल जी प्रीतम यादव जी राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे जी पूनम तिवारी जी अंजू जी संदीप भाटी जी नेहा रुटेला जी बबली प्रताप जी सभी भक्तों को राधे राधे। संजय हंस जी संदीपन जी हेमा चोपड़ा जी ममता सिंह जी अरुणा जी रिंकी जी सभी भक्तों को राधे राधे। इंदु जी राधे राधे। सरोज रानी जी राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की। जय हो बरसाने वाले की राधा रानी। सब पर कृपा करना
सबको बरसाना धाम बुलाती रहना, जो रस बरस रहे बरसाने, अब तो रस नहीं महारस बरसेगा, श्री जी के प्रेम का रंग का गुलाल बरसेगा। तो इस गुलाल में, इस प्रेम के रंग में भीगने के लिए आ जाइए, मिला सच में बड़ी अद्भुत है, आइए सच में आनंद लीजिए। तो सभी भक्तों को मिला राधे राधे, जय हो मेरी राधा रानी जी। अब जो आरती है, आरती का टाइम 8:15 का है, तो हम 7:30 बजे थोड़ा लेट आया करेंगे, क्योंकि ताकि हम 20 मिनट के लिए लाइव रख सकें। 7:30 के बाद हम लाइव उपस्थित हुआ करेंगे, 7:45 के बीच में, तो मैं लाइव को विराम करता हूँ। आप सभी जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा, और सभी को बस राधा नाम का प्रचार प्रसार करते रहिएगा। आज मैंने आपको एक वीडियो डाला है फेसबुक पर, गुलाब खान कैसे गुलाब सखी बने और उनकी समाधि स्थल है वो, उसका रास्ता कहाँ पर है, किधर से होकर वह रास्ता है, आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो सभी से यही अनुरोध है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी भक्तों तक वह पहुँच सके। सुचेता शर्मा जी, राधे राधे, जय हो मेरी राधा रानी।